हेलो हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया ईओक्यू जिसका नाम था। अभी हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, है ना, व्हाट आर इट एडवांटेज, है ना। देखोगे ये बीकॉम के कॉस्टिंग के पेपर में बार बार पूछा हो जाने वाला एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सबसे पहले ये जानेंगे कि होता क्या है, ठीक है ना। तो आ जाइए, सबसे पहले ये जाने हम लोग, देखो मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। देखोगे इसको डिफाइन किया किसने, वेल डन, एज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसीट एंड इशू ऑफ फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन फॉर स्टॉक टेकिंग इट इज समटाइम्स, है ना, सो एज कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। देखो परपेचुअल का मतलब क्या होता है, अगर आप पढ़े हो, जब भी हम लोग बात कर रहे थे क्या नाम है कंपनी के डिफिनीशन की, है ना, ऐसे आपको नहीं ध्यान में आएगा, ऐसे मैं बता रहा हूं, जब भी आप बात कर रहे थे कंपनी के डिफिनीशन में, तो वहां पर देखो बार बार तुमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, पढ़ रखा था कि जो कंपनी का लाइफ होता है वो क्या होता है आपका, बताओ भाई, अनलिमिटेड होता कि नहीं। अनलिमिटेड लाइफ को भी आपने क्या नाम रख दिया है, परपेक्चुअल, ठीक है, परपेक्चुअल सक्सेशन का नाम दिया था कि नहीं, कि किसी के आने, किसी के जाने, किसी के दुनिया से जाने से, है ना, उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह आपका परपेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम है ना। देखोगे ये एक ऐसा इन्वेंटरी सिस्टम है जो क्या है, जिसमें आप लगातार स्टॉक को चेक करते रहते हो कि स्टॉक क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर क्या है, री ऑर्डर क्या है, है ना। उसका मेन रीजन क्या होता है, आपको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को देखना है कि स्टॉक की आवागमन सही बनी हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर स्टॉक का शॉर्टेज हो जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट क्या है बढ़ जाएगी, और इसी को हमको मेंटेन करना है। तो ब्रेक डाउन से बचने के लिए हमको क्या करना है, चेक करना है कि हमको इन्वेंट्री रेगुलर सिस्टम मेंटेन करना है, जिसका नाम क्या है, परपेक्चुअल इन्वेंट्री, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग, यहां पर देखेंगे हम लोग फटाफट, इन ऑर्डर टू रिटेन कंट्रोल ओवर मटेरियल इट इज एसेंशियल टू नो दी लेवल ऑफ इन्वेंट्री, है ना। अगर आपको मटेरियल पर अच्छे से कंट्रोल करना है तो ये देखना है एसेंशियल, है ना, कि आपके पास इन्वेंट्री का लेवल क्या है, ठीक है, और इस बात को चेक करना है हमेशा। देखते हैं अगर हम लोग बिग बाजार या जितने भी मॉल है वहां पर सामान परचेज करते हैं, तो वहां पर देखो स्कैन करता है बारकोड, है ना, जैसे वो स्कैन करता है वो इस बात को प्रमाणित करता है, क्या प्रमाणित करता है ना, कि आपका स्टॉक क्या था, वो जानकारी वहां पर जाके इकट्ठा हो गई, क्या आपने कितना स्टॉक बेच दिया, कितना बाकी है ना, कितने पे आपको और परचेस करना है, ये सभी बात वहां पर पता चल जाएगी। वन मेथड ऑफ मेकिंग सच इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज बाय मींस ऑफ परपेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम, है ना। तो देखोगे जब स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको हर समय रखनी हो, हर समय इसका कंट्रोल करना हो, तो उसी का नाम रखा गया है परपेक्चुअल इन्वेंटरी सिस्टम। बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट इन स्टोर लेजर शुड एग्री विद द बैलेंस शो इन द बिन कार्ड, है ना। देखोगे ये सभी जो बैलेंस होते हैं स्टॉक से रिलेटेड, वो सभी आप कहां पर मेंटेन करते हो, बिन कार्ड में, है ना। देखते हो उसके बिन कार्ड के थ्रू आपको पता चल जाता है ना फटाफट, है ना, कि क्या मेटल आया, क्या गया, कितना बैलेंस है, उसका रेट क्या है, ये सभी बातें, ठीक है। देखोगे स्टॉक आर क्लोजली अलाइड टू द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग अंडर द सिस्टम, नंबर ऑफ आइटम आर काउंटेड डेली और एट फ्रीक्वेंट इंटरवल एंड कंपेयर विद द बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर बाय द स्टोर ऑडिट क्लर्क। अब देखो इस मेथड की खास बात क्या है, कि जब आप लगातार चेक करते रहते हो, आपको फटाफट ये भी पता चल जाता है कि उसमें आपने कितना नॉर्मल लॉस कर दिया, नॉर्मल लॉस कर दिया, कितने का रिक्वायरमेंट है, है ना, और आप फ्रीक्वेंटली मतलब जब भी आप चाहो, जितने इंटरवल पर चाहो, फटाफट आप इन सब चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखोगे द यूजुअल कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस, है ना, आप ये भी जान सकते हो अगर मटेरियल के जो भी स्टॉक लेजर है उसमें डिफरेंस आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस ही केवल रीजन है, ये और भी जो रीजन है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना,
इनकरेक्ट एंट्रीज है ना, ब्रेकेज, प्लीफरेज, एवोपोरेशन ब्रेकिंग है ना, द बल्क प्राइस अप्रोक्सीमेट एक्सेट्रा, जो भी रीजन होंगे इसके थ्रू से आपको क्या हो जाएंगे, फटाफट पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए इसके बाद देखेंगे एडवांटेज क्या है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का। तो देखो कहने का मतलब क्या है भाई, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, इन्वेंटरी का एक रेगुलर चेक करने का ऐसा सिस्टम है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग इन्वेंटरी पर रेगुलर कंट्रोल एंड चेक बनाए होते हैं। तो वजह से जो भी रिलेटेड बिजनेस होता है वहां पर इन्वेंटरी की शॉर्टेज नहीं हो पाती है। ठीक है, अच्छा उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका मेन रीजन ये होता है कि आप संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस बनाए रखें। ठीक है, और ब्रेक डाउन की सिचुएशन ना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और मटेरियल में जो लॉस है, चाहे वो नॉर्मल है, जो भी लॉस होगा वो भी क्या हो आपका, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो और आप उसको कम से कम करो, जिससे कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन हो और आपका जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो। ठीक है, हमारी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, देखेंगे अब यहाँ एडवांटेज क्या है। आपके पेपर में 10 नंबर का ये भी आ सकता है, लॉन्ग एंड कॉस्टली वर्क ऑफ स्टॉक टेकिंग इज अवॉइडेड, देयरफॉर ऑन क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री इन ऑन स्टॉक टेकिंग इज अवॉइडेड। अच्छा, अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है और ब्रेकडाउन के सिचुएशन से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंट्रोल आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो स्टॉक का लेवल है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा। ठीक है, अ डिटेल एंड रिलायबल चेक ऑन स्टोर इज मेंटेन। ठीक है ना, फिर क्या है, एक डिटेल और रिलायबल चेक मेंटेन करना पड़ेगा आपको है ना, एक्सपीरियंस मैन कैन बी एम्प्लॉयड टू चेक द स्टॉक ऑफ रेगुलर इंटरवल, एक्सपीरियंस मैन। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप रेगुलर चेकिंग की चीजें रखोगे या स्टॉक के लिए रखोगे तो आपको करना, जो भी पर्सन रखना पड़ेगा वो क्या हो, एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड हो और जिसके पास स्टॉक से रिलेटेड सभी नॉलेज हो, तभी क्या करेगा वो स्टॉक को चेक कर पाएगा। फिर रेस्पेंसेस आर इजिली लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड, अगर कुछ अनियमितताएं हो रही हैं तो उसको क्या करोगे, आप आसानी से पहचान लोगे और उसको सुधार सकते हो है ना। द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक फिगर इनेबल्स क्विक कंपटीशन ऑफ पी एंड एल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी लेजर होगा है ना इंटरिम पीरियड में, बीच में जब भी आप चाहो स्टॉक का फिगर, तो उस समय आप आराम से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जब भी चाहें आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द मोरल इफेक्ट ऑफ द स्टॉक टेंड टू प्रोड्यूस ग्रेटर केयर है ना, देखोगे मोरल इफेक्ट क्या है इसका, स्टॉक क्या होगा आराम से अपना काम करेगा और अधिक से अधिक प्रोडक्शन करने पर फोकस करेगा। ठीक है, आ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जब भी ऑडिट की बात होगी इंटरनल चेक का सिस्टम भी क्या होगा आपका, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात किससे, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो फटाफट बात बोलो। अब हम लोग बात करेंगे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, जिसका नाम क्या, बिन कार्ड है ना। अभी का तो कहा नहीं जा सकता, मैं तो आपको करा रहा हूं, उसका मेन रीजन है कि बच्चा मेरा नॉलेज रखे है ना। लेकिन देखोगे हम लोग के समय में 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था और हम लोग इसको बिना पढ़े नहीं जाते थे भाई। ठीक है ना, बिन कार्ड, दराज है ना, अलमारी इस तरह का नाम है इसका। तो आप देखोगे ये भी आपके पेपर पे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिन कार्ड है ना, एग्जाम्पल भी इसका देना है। ठीक है, या बिन कार्ड का मतलब पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ा रखा है बेटा पेपर में लिखना कैसे है, मीनिंग से स्टार्ट करना। एक वीडियो मैं इसका अपलोड करने वाला हूँ, हम लोग को पेपर में लिखना कैसे है। ठीक है, आइए फटाफट पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखो बिन मींस रैक, इनका मतलब क्या, रैक काउंटर और स्पेस वेयर गुड्स आर केप्ट है ना। देखो कि जहां जिस रैक में, कंटेनर में, स्पेस में आप सामान को रखते हो वही क्या है आपका, बिन है। ठीक है, द स्टोर इज केप्ट विथ सीरियली नंबर्ड बिन, देखते हो ना क्या होता है, स्टोर को आप कैसे रखते हो सीरियल वाइज है ना, एक बिन में। जैसे कभी आप वकील के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, देखोगे उसका अपना अलग अलग रैक होता है, अलग अलग केस की फाइल अलग अलग रैक में वो रखता है, तो उसी तरह यहाँ पर स्टॉक की बात कर रहे हो। ठीक है, ईच मीन फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल, सबका मतलब क्या है, एक अलग अलग प्रकार का मटेरियल। बिन कार्ड इज आल्सो नोन एज बिन टैग, बिन कार्ड को आप बिन टैग या स्टॉक कार्ड के नाम से भी जानते हो। पेपर में आपसे सवाल पूछ सकता है बिन टैग ये स्टॉक कार्ड के नाम से, इसको आप बहुत ही कायदे से ध्यान में रखेंगे। अब बिन कार्ड इज अ, क्या है बिन कार्ड, एक
क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्ड है कि कितने मेटल रिसिप्ट हुए हैं, इशू हुए हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टोर, और उनका क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस है। फिर सेपरेट बिन कार्ड्स आर मेंटेन फॉर ईच आइटम एंड प्लेस इन, है ना, सेवलेस और बिन और आर सुटेबली हैंग अप एज कन्वीनियंट अलोंग दी मेटल इन द गोडाउन। ठीक है, देखो जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखोगे कितना मटेरियल संस्था में आया, कितना गया, कितना यूज हो गया, कितना वेवरेट हो गया, कितने का लॉस हो गया, चाहे लॉस नॉर्मल हो चाहे नॉर्मल, ये सभी इंफॉर्मेशन की हमको रिक्वायरमेंट लगातार होती रहती है। इन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो, है ना, किसके माध्यम से, बिन कार्ड के माध्यम से, है ना। देखोगे ये क्या है, कन्वीनियंट और सुटेबल है, है ना। देखोगे किसके लिए, जितने भी मटेरियल आपके गोदाम में रखे गए हैं, निकाले गए हैं, उन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। देखोगे ऑन द रिसीप्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल सुटेबल एंट्री ऑफ, अब देखो जितना मटेरियल आया, जितना गया, जितना खराब हो गया, सभी की इंफॉर्मेशन क्या है, आप क्या करते हो एक पर्टिकुलर रैक में लगा के रख देते हो, जिसके जब भी जो भी इंप्लॉय मैनेजर मैनेजमेंट या और भी इंप्लॉय आपका चाहे आसानी से उस बिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखोगे मेन फीचर्स क्या है, देखोगे लिखा है मेन फीचर्स ऑफ बिन कार्ड इज दैट आप पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन वेदर रिलेटेड टू रिसिप्ट और इशू द बैलेंस क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। ईच बिन कार्ड ऑल्सो कंटेन पर्टिकुलर रिगार्डिंग मैक्सिमम मिनिमम एंड ऑर्डरली लेबल कोड नंबर डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा ऑन द मेटेरियल केप्ट इन द बिन, स्पेसिमेन ऑफ बिन कार्ड इज गिवन एज फॉलो। ठीक है, तो देखोगे बिन कार्ड का मेन काम क्या है, बिन कार्ड का मेन काम है उस सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रिऑर्डर लेवल, इस तरह की जो भी होती है। ठीक है, स्पेसिमेन देखोगे बिन कार्ड का दिया गया है। ठीक है, अगले पेज पर देखते हैं हम लोग दिया है, पेपर में फॉर्मेट से भी रिलेटेड वो चर्चा करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, देख लो बिन कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपकी ये है। देख लें भाई सब लोग, तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, डेट जीआर नंबर क्वांटिटी डेट सीरियल नंबर क्वांटिटी डेट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सभी है ना, आप अपने बुक को निकालिएगा और उससे बिन कार्ड का जरूर एक बार स्पेसिमेन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से है और आ भी सकता है। ठीक है, तो आप जरूर कमर कस ले इसके लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एबीसी एनालिसिस और व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एबीसी एनालिसिस एंड एक्सप्लेन एबीसी मेथड ऑफ मेटल कंट्रोल, एक्सप्लेन एबीसी एनालिसिस ऑफ मेटल कंट्रोल। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था एबीसी का मतलब क्या है, यहाँ पर एबीसी का मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट से नहीं है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है एबीसी मेथड इज एक अ मेथड ऑफ मेटेरियल कंट्रोल। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ए डिनोट्स, ए मींस ऑलवेज, ओके, एंड बी मींस बेटर, एंड सी मींस कंट्रोल ओवर द स्टॉक। ठीक है, देन एबीसी एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ मेटेरियल कॉस्ट, इन दिस मेथड मेटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू ए बी एंड सी कैटेगरी। देखोगे एबीसी मेटेरियल कंट्रोल की एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम लोग स्टॉक या मेटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेटेरियल नंबर ए, मेटेरियल नंबर बी एंड मेटेरियल नंबर सी। इस बात को मैंने एक क्लास में अपलोड किया था शॉर्ट फॉर्म में, बहुत हैवी नहीं बट आज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके सामने इसको लेके आया हूं। Metal are those which are very closely and used in small quantity. B metal are those which are medium value and are used in medium quantity. And C metal are very cheaper metal which are used in large quantity. ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर जब भी आप बात करोगे material A की, material A की जो quantity होगी बहुत smaller होगी, but value के मामले में रुपए उसमें बहुत ज्यादा invest किया होता है। And metal B की जब भी बात करोगे आप quantity में smaller value के होंगे, but रुपए उसमें क्या है, टॉप मतलब ए के लेवल से कम फंसा हुआ होता है। एंड सी जो होता है
वैल्यू में भी ज्यादा होता है, बट अमाउंट उसमें क्या है बहुत ही कम इन्वेस्ट होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखेंगे हम लोग, जब भी हम लोग बात करेंगे देखो मैं इसको आपको अलग से बता देता हूं, चलिए देखिए, देखो ये है हमारा, जैसे हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं वैसे ही है, ए बी सी, ए बी, ए में मटेरियल जो होता है क्वांटिटी लोअर है, वैल्यू हायर है, फिर बी में देखेंगे आप ऐसे मटेरियल होंगे जो वैल्यू में क्या होंगे मीडियम एंड क्वांटिटी में भी क्या होगा ये आपका मीडियम होगा, ठीक है। बट जब सी में ध्यान दोगे तो यहां पर ऐसे मटेरियल हैं जो क्वांटिटी में क्या है हायर, बट वैल्यू में क्या है ये लोअर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, देखो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वैल्यू को डिनोट कर रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये वैल्यू क्या है इसकी, ये वैल्यू बहुत कम है ना। बट जब कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट देखो क्या है, सबसे हैवी कॉस्ट किसमें लगी है, इसमें लगी, ठीक है। बट जब भी बी में बात करोगे आप, बी में देखो क्या है, ये क्वांटिटी में इससे ए के कंपेरिजन में ए से ज्यादा है, और कॉस्ट क्या है इसके कंपेरिजन में से कम है। सी में क्या भाई, कॉस्ट कम है बट वैल्यू क्या है इसकी बहुत ज्यादा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। जब आप बात करोगे ए की, इसका एग्जाम्पल क्या है ना, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मोटर कार, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो साइकिल, और इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो मोटर, ठीक है। तो यही है आपका एबीसी एनालिसिस, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फटाफट ये डायग्राम बना लें और इतनी बातें आप लोग आराम से लिख लेंगे। आ जाते फिर हम लोग वापस में अपने टॉपिक पर, देखो 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 कि ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिफरेंट वैल्यू है ना, एंड वेज वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके ऊपर करना पड़ता है, शुड बी एक्सरसाइज ऑन दी ए टाइप ऑफ मटेरियल, है ना। तो देखो कि जो ए टाइप ऑफ मटेरियल है इसमें क्या है बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि भाई इसमें क्या है हमारी मैक्सिमम या ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है हमको भैया, इसको क्या करना है बहुत ज्यादा इस पर कंट्रोलिंग सिस्टम अप्लाई करना है। फिर बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट मटेरियल, ठीक है, कॉस्टली मटेरियल होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ है। इन द सेम वे सी मेटल आर वेरी लो वैल्यू एंड देयर फोर लूज कंट्रोल टेक्निक में भी यूज, देखोगे जब भी बात करोगे सी का तो इनमें क्या है सबसे कम पैसा फंसा होता है, वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए इस पर आप कम से कम मटेरियल टेक्निक क्या है लिबरल पॉलिसी अपनाते हो। बट जो बी मेटल आर है मीडियम वैल्यू का एंड देयरफॉर शुड बी सब्जेक्ट टू ऑर्डरली कंट्रोल मेथड, इस पर हमको क्या करना है रेगुलर कंट्रोल या ऑर्डरली कंट्रोल मेथड यूज करना है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आज ही फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट हो बता सकता है हमको। आज आपका देख लीजिए एयू ने एडमिट कार्ड जो है वो लगा दिया है, अब आप जाके आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग की बात है वो यहीं तक की, इसके बाद हम लोग बात करेंगे।